हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 11। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 और नाम है उसका अजंता। आज हम आपको बताएंगे, इस चैप्टर को लंबा सा प्रोसेस पर मत जाओ, बस आपको याद करने उसके शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन आंसर, और उसको बहुत ही अच्छी तरह से कैसे याद रखा जा सकता है उसकी यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वो है एमसीक्यू, यानी विकल्प को चुनकर आंसर लिखे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की प्रपादी कितनी पुरानी मानी जाती है। तो हमारे देश के अंदर पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परिपाटी है वो करीबन 2,250 वर्ष पुरानी, यानी 2,25,000 पुरानी मानी जाती है। अजंता की गुफा किस पर्वतमाला के अंदर स्थित है? तो उसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। बच्चों खास याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग जो है वो गलत ना होने पाए। अजंता की गुफा में नदी, कौन सी नदी आई है? तो उसके एकदम नजदीक में आई है बादूरी नाम की नदी। और अजंता की गुफा किसकी घटनाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर है भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया गया है। इसके बाद है, अजंता की गुफा के चित्र किस काल में, किस समय में, किस दौर पे थे? तो उसका आंसर है दैट इज गुप्त काल के अंदर, ये सबसे बेहतरीन तरीके से इसका उजागर किया गया था। अब हम बात करेंगे दैट इज वन लाइन आंसर, और वन लाइन आंसर के अंदर हमेशा बच्चों आपको याद रखना है क्या, जो मेन वर्ड होता है उसको हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन करो। एंड दूसरी बात ये हमेशा याद रखें कि जो आपको क्वेश्चन है ना, उसमें तो एज इट इज वर्ड में कॉपी करना है, जो एक वर्ड है या एक सेंटेंस है बस उसका ही आंसर होता है। तो इस बात को खास याद रख के वहां पर कॉपी पेस्ट करना है। तो प्रश्न नंबर वन यहां पर क्या बनता है कि आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया? तो आदमी ने अपनी आपकी जिंदगी या जीवन को अमर बनाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, जैसे कि उसने पहाड़ों को काट दिया, चट्टानों को काट के उसके ऊपर उसने शिलालेख लिखे या खोद दिए, ऊंचे ऊंचे पत्थरों के खंभे बनाए, और उसके बाद उसने लंबे समय तक याद रखे, इसलिए पीतल के तांबे के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे उसने संदेश लिखे ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसकी बातों को सीख सके, समझ सके। अजंता के चित्र में किसकी नकल कहां पर मिलती है? तो अजंता के चित्रों के अंदर तुंग हुआंग चाइना के अंदर है, और सिमरिया पहाड़ी जो कि श्रीलंका में आई है, वहां की दीवारों के अंदर, पहाड़ी दीवारों के अंदर आज भी अजंता के चित्र है, उसकी नकलें आपको देखने को मिलेगी। यशोधरा, यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है। तो यशोधरा जी ने भगवान बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया था? तो उसने दिया था कि देखो, आपने मेरे साथ शादी तो कर दी और हमारा बच्चा भी हुआ जिसका नाम राहुल है, अब मैं उसको क्या करूं? तो यशोधरा जी ने भगवान बुद्ध को भिक्षा के अंदर अपना पुत्र यानी कि राहुल को दिया था। जातक कथा है किससे कहते हैं? जातक कथाएं पिछले जन्मों की कथा है ऐसा कहा जाता है, जिसमें पशु पक्षियों के द्वारा हमें बहुत सारे बोध प्राप्त होते हैं, इस बात को याद रखना है। अब बात करेंगे आगे, अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था ऐसा कहा जाता है? तो ईसु भगवान के करीबन 200 साल पुराने, ऐसा कहा जाता है कि अजंता की गुफा में निर्माण ईसा के करीब करीब 200 साल पहले शुरू हुआ था, यानी अभी हमारा 2000वां जो साल चल रहा है, तो ईसा पूर्व जिसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, तो तब से ही शुरुआत हुआ था। अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो अजंता की गुफाएं बादूरी नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला, दोनों याद रखना है, पर्वतमाला का भी नाम देना है और नदी का भी नाम बताना है। अपने पिछले जन्मों में भगवान बुद्ध ने किन किन रूपों में जन्म लिया था? तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने पिछले जन्मों में गज यानी कि हाथी के रूप में, कपि यानी बंदर के रूप में, मृग यानी हिरण के रूप में अलग अलग समय पे जन्म लिया था, ऐसा माना जाता है। अब बात करेंगे हम 2 वाक्य में आंसर लिखना। तो उसके लिए हमेशा आपको याद रखना है, जो हमेशा आपको मैं कहता रहता हूं क्या, कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको सबसे पहले कृति का नाम, ऐसा करके आपको कृति का नाम बताना है अजंता, फिर कर्ता का नाम, लेखक या कवि का नाम उसमें लिखना है, एंड देन आपको साहित्य प्रकार लिखने के बाद आपको आंसर लिखना चाहिए। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ था? तो अजंता की गुफा का निर्माण पहाड़ को काटकर बनाया गया था। पहले पहाड़ को काटकर खोखला किया गया, फिर उसके अंदर सुंदर भवन का निर्माण बनाया गया, उसमें खंभों पर मूर्तियां बनाई गई और दीवारों और छतों पर मस्त रगड़ रगड़ कर चिकनी बनाई गई, और देन उसके बाद उसके ऊपर चित्र बनाए गए थे। अजंता के चित्रों में कौन सी कहानियां है? तो अजंता के चित्रों के अंदर भगवान
बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की कहानियां है। निर्वाण मतलब जब वो भगवान के पास चले जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बुद्ध भगवान के पिछले जन्मों की कहानियों का भी चित्रण किया है और इस कहानियों के अंदर जातक कहानियां भी कहा जाता है। पिछले जन्मों की कहानियों के अंदर भगवान बुद्ध बंदर, हाथी और हिरण की कहानियां के द्वारा हमें समझाते हैं। इस तरह से भगवान अलग अलग योनि के अंदर बुद्ध जन्म लिया था और उसके द्वारा उसने अपने जीवन के अंदर दया, त्याग और आदर्श को हमेशा स्थापित किया था। तो इस तरह से आपको टू लाइन आंसर लिखना चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा और टू लाइन आंसर है और वो है महाभिनिष्क्रमण चित्र में कौन सा दृश्य अंकित है। तो महाभिनिष्क्रमण चित्र के अंदर भगवान बुद्ध के घर को त्याग करना यानी गृह त्याग के दृश्य अंकित है। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल की नींद में खोए हैं और उस समय के अंदर भगवान बुद्ध अपने घर को, गृह को त्याग करते हैं। उसके मन के अंदर जो ये दृढ़ निश्चय था वो अड़िग धड़कनों के द्वारा उसको संभालते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त फैसला था जो उसको खुद को लेना था। अजंता की जातक चित्रकथा की क्या क्या विशेषता है। तो अजंता की जातक कथाओं के अंदर भगवान बुद्ध ने पिछले जन्म की कथाएं लिखी हुई है। पिछले जन्मों में बुद्ध गज, कपि, मृग आदि रूप में अलग अलग योनि के अंदर जन्म लिया था और संसार के कल्याण किया था। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा कि दया त्याग ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है और स्थिति में पशुओं को मनोचित व्यवहार करना चाहिए, इस बात को बताया गया है। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर के बारे में। लॉन्ग आंसर थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, देन आंसर लिखते हैं एंड उसके बाद लास्ट में आपको एक लाइन छोड़कर नया पैराग्राफ करना है और उसके अंदर में क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो दैट इज थ्री पार्ट में लिखना होता है। प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में शिल्पों का क्या वर्णन किया है। तो अजंता गांव के पास सहादी पर्वतमाला का सिलसिला अर्धचंद्रकार यानी आधा मून के आकार के अंदर है। लगभग 250 फीट ऊंचा यह भाग हमारे पुरखों के बनाया गया है। उन्होंने पहले इस पहाड़ को खोखला किया, फिर इसके अंदर शिल्पियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से भवन का निर्माण किया। इस भवन के अंदर एक से बढ़कर एक अलग अलग हॉल बनाए गए, बरामदे बनाए गए और सुंदर सुंदर मंदिरों की रचना भी की। खंभों के अंदर सुंदर मूर्तियों की उभारी गई और उसके बाद में अलग अलग कला अंग भंगी के अंदर रंग और रेखा के द्वारा सजाया गया। इस तरह से शिल्पकारों ने अनोखे तरीके से इस शिल्प का अजंता की गुफा के बनाकर उसके अंदर जिसे जिंदा इंसान के अंदर प्राण फूंक देना चाहिए, इस तरह से सुंदर तरीके से चित्र का किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, अजंता के चित्रों की विशेषता क्या है। तो यहां पर बताया गया है कि अजंता के चित्रों में अपने आप में ऐसा लगता है जैसे जीवंत है, उसकी आंखें जैसे अटक गई है पर हमें ही देख रही है और हमारा आंख उसको देखने के अलावा कहीं पर जाता नहीं है। सभी चित्र ऐसे लग रहे हैं जैसे वो बोल रहे हैं। चित्रों के अंदर पशुओं की मनोवांछित व्यवहार लगता है और हम उसको देखकर सही में दंग रह जाते हैं। इन्होंने दर्शाते हैं कि समय पर चित्रकार कितने ही जबरदस्त कलाकारीगर के अंदर उत्तम होंगे। नगर, गांव, महल, झोपड़ी, समुद्र और पनगढ़ का संसार सही में अजंता के अंदर पहाड़ी जंगलों के अंदर उतारा था। इस तरह से चित्रकारी का यहाँ पर खूब सुंदर तरीके से दिखाया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे समानार्थी शब्द यानी कि व्याकरण। इंसान का मतलब होता है मनुष्य, अमानत धरोहर विरासत, विख्यात प्रसिद्ध, अभिराम सुंदर, परिपाटी परंपरा, रौनक शोभा, नूर सौंदर्य, काया देह या शरीर, अजायब मतलब अचरज और समीप का मतलब होता है नजदीक निकट, बेर हरमी यानी क्रूरता, सरोवर तालाब, चितोरा यानी चित्रकार, अद्वितीय बेजोड़, सजीव यानी जीवंत। और अब बात करेंगे ऑपोजिट के बारे में, अमर मर्त्य, इंसान हैवान, प्राचीन अर्वाचीन, समीप दूर, त्याग भोग, क्रूरता ममता, भय निर्भयता, दया निर्दयता, सजीव निर्जीव, भिखारी दाता, स्वामी सेवक। ये बात हुई हमारे व्याकरण के अंदर समानार्थी और विरोधार्थी के बारे में। अब हम बात करेंगे उपसर्ग। आपको हमेशा मैंने याद दिलाया है
उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो यहां पर अभी वी स कम बे निस अ अ अ प्र ये सारे आगे लगने वाले वर्ड है, जबकि पीछे लगते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय में क्या क्या लगा यहाँ पर, जैसे ई इत इत ता इत आरि य वंत ई इय, ये सारे पीछे लगे। कैसे, जैसे पहाड़ शब्द मूल शब्द है उसको ई लगा दिया तो शब्द बन गया पहाड़ी। तो आपको ऐसा लिखना है पहाड़ प्लस ई इज इक्वल टू पहाड़ी, यानी ई हमारा बन जाता है प्रत्यय। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये जो चैप्टर है उसके अंदर काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है और उस वर्ड के द्वारा हमें ये चैप्टर को कभी समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। सो यहाँ पर आपके लिए लास्ट में दिया गया है हमने शब्दार्थ, उस शब्दार्थ को अच्छी तरह से समझो, लर्न करो, एंड देन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत ही आसानी से ये चैप्टर आप समझने के लिए, लर्न करने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो आशा करता हूं ये चैप्टर आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लर्न हुआ होगा। डाउनलोड करो, लर्न करो, समझो, सुनो और सबसे अच्छे मार्क्स लाके बिताओ और मुझे कमेंट्स करो कितने मार्क्स आए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।